नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग ग्राम पंचायत बार में एक चाय की दुकान पर हैं और आज हम लोग तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। सभी लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी भी यहां पर बैठे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कौन सी तरफ लोगों की नज़र है। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल RR बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले समय में हमारे सभी वीडियोस की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया? अभिनव तिवारी। तो अभिनव तिवारी जी, 2022 का जो आने वाला चुनाव है, इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आपको आगे की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है? हम इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद नजर आ रहा है और हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट देंगे और समर्थन करेंगे। अगर सवाल ये करें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो क्या आपको जानकारी है राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो राष्ट्र के हित में काम करे। तो राष्ट्र के हित में कौन सा कार्य करे? राष्ट्र के हित में सरकार ने एक सबसे बड़ा काम किया है, जिसको 370 कश्मीर से हटा के भारत में मिलाना और तिरंगा को उस प्रदेश में स्वतंत्र रूप से सुचारू रूप से आगे करना। तो ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हालांकि सरकार का शायद ये निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये केंद्र सरकार का निर्णय है। उत्तर प्रदेश में चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं, राज्य सरकार को हम लोगों को चुनना है। सदर विधानसभा ललितपुर में 4 कैंडिडेट हैं, तो आपका रुझान इन चारों कैंडिडेटों में किस तरफ होगा? देखो, ऐसा है, जो पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे वो रामदर्शन कुशवाहा जी हों, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, पर हम पार्टी और मोदी जी और योगी जी के कार्यों को नज़र में रखते हुए वोट करेंगे। विकास एक मुद्दा है, क्या आपके हिसाब से इस मुद्दे पर वोट पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, विकास बहुत ज़रूरी है प्रदेश के लिए। तो फिर राष्ट्रवाद आप कह रहे हैं, तो विकास के मुद्दे होंगे। विकास आखिर अपने जनपद में, अपने इस बार क्षेत्र में क्या हुआ है, ये भी आपको जानकारी होगी। हमारे जनपद में कई डैमों का निर्माण हुआ, एक भावनी डैम परियोजना का निर्माण हुआ। ये सब डैम के निर्माण बहन जी के शासनकाल में शुरुआत हुई, अखिलेश यादव के शासनकाल में पूर्ण हुए, इनमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं वो नहीं है। हालांकि जब वो डैम पूर्ण हो जाते तो उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी करती है बस। और एक भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण कार्य जो कि हुआ है न्यायपालिका के उससे, लेकिन एक राम मंदिर एक ऐसी भारत की आस्था। मैं राष्ट्र के काम आपसे पहले पूछ लिए, अब चूँकि अपने क्षेत्र के, जिले के, जनपद के, सदर विधानसभा के वो काम पूछ रहा हूँ जिससे आम किसान संतुष्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। किसानों का जो कानून है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको वापस लेके एक किसानों के एक बहुत हित में कार्य किया है, पर इससे किसान बहुत खुश हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले कानून बनाए थे वो खराब थे? मतलब किसानों का विरोध देखते हुए किसानों के जो पक्ष में कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है पार्टी का। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी नाम पूछते हैं। क्या नाम है? कैलाश नारायण मिश्रा। तो मिश्रा जी, 2022 का जो चुनाव है, इसमें आपका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ होगा? हमारा रुझान है BSP। तो ऐसा क्योंकि BSP? अब इसलिए है कि सब पार्टियों को देखा है, किसी पार्टी में गुंडागर्दी है, किसी पार्टी में लूट खसोट है, इसे जी हमें सबसे अच्छी पार्टी लगी है। तो ऐसी क्या लूट खसोट गुंडागर्दी हो गई कि आपको उस तरफ जाना पड़ा? और ऐसा है कि अब प्रत्याशी ऐसे है कि वैसे विकास का काम कुछ करते नहीं हैं। 5 साल हो गए प्रत्याशी, पुराने कार्यकर्ताओं को पहचानते नहीं हैं। अब मैं बचपन से भाजपा का प्रत्याशी समर्थक रहा हूँ। मैंने आज तक 65 वर्ष की उम्र में, बचपन से 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की उम्र तक, आज तक मैंने भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन आपकी बार में इस पार्टी को छोड़ के वो BSP में जा रहा हूँ। तो आपको एक तरफ जहाँ 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी 2022 में ललितपुर सदर विधानसभा या प्रदेश में आगे की तरफ दिखाई दे रही है? देखो, ऐसा है कि इस BJP में हम रहे और BJP के कार्यकर्ताओं का यहाँ हमेशा अपेक्षा होती है, और अब की बार हमने अपना प्रत्याशी गुड्डू राजा को बनाया है और हमारे प्रत्याशी की बहुत अच्छी जीत होगी और सब लोग मन बना चुके हैं कि गुड्डू राजा यहाँ लोकल के प्रत्याशी और अच्छे प्रत्याशी हैं।
तो गुड्डू राजा की जीत के बाद कोई ऐसे कार्य जो आप लोगों ने सोचे हो गुड्डू राजा के पक्ष में जाकर के रखें 2022 में, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो? वैसे हमारा अंदाज है कि ललितपुर ज़िले में जितने भी विधायक अभी तक बने हैं तो छुटपुट कार्यों को छोड़ के कोई विशेष अच्छा कार्य किसी ने नहीं किया आज तक। और गुड्डू राजा से हमें उम्मीद है कि अगर वो अब की बार जीतते हैं तो वो किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। चलिए, तो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इनका पहला मुद्दा है। एक और भैया है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। भैया अपना नाम बताइए। जी राहुल यादव। तो राहुल जी, क्या लग रहा है 2022 का जो चुनाव है इस पे आपको भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है ललितपुर सदर विधानसभा और उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, हम आगे निकलेंगे, लीड बनाकर आगे निकलेंगे। तो अब चूंकि जनता भी है, तमाम सवाल जनता के रहे होंगे, लेकिन चूंकि बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ नेताओं से लोग सवाल कम पूछते हैं, तो सवाल यहाँ पर यह है, किसानों के लिए कुछ किया है या मजदूरों के लिए कुछ किया है, गरीबों के लिए कुछ किया है, किसके लिए क्या किया है? अपने बार क्षेत्र की अगर बात करें तो किसके लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? भाई साहब, किसके लिए क्या नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल नहीं होता। सवाल ये है हमारा, क्या किया है आप वो बताएं। भाई साहब, अभी हाल जो घोषणा पत्र किया है माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि के माध्यम से 2000 रुपये देते थे, उसको बढ़ा के 4000 रुपये कर दिया। ठीक है, लेकिन किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, देख लीजिए आप, जैसे कि कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल रहा है और सब्सिडी मिल रही है बीज पर, और किसान कार्डों में लगातार बीमा आ रहा है। लेकिन एक तरफ किसान ये कह रहे हैं कि जितना बीमा आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग डीजल में सरकार को दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कहीं भी आज के समय में मुझे कहीं भी इंजन पंप की आवाज़ नहीं आती है। इससे पहले पिछली सरकारों में हम देखते थे सुबह सुबह तड़तड़ाते के भैंस पूरे में तड़तड़ाते पड़ते, आज हर जगह सौभाग्य योजना के अंतर्गत कहीं भी किसी भी कस्बा में चले जाइए आप, वहाँ आपको लाइट मिलेगी पर्याप्त, वहाँ आपको लाइट मिलेगी, हर जगह मोटर है, आज पंप की कहीं आवाज़ नहीं देती है। किसानों को डीजल की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हालांकि थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है कोविड काल में, जो कुछ खर्चा हुआ है सरकार का, तो उसमें भी संशोधन धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अगर कोविड काल को भी छोड़ दें, सब को छोड़ दें, तो गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती महंगाई, जो लोग घर में जलाते हैं, अमूमन 410 रुपये एक समय कीमत हुआ करती थी और आज की तारीख में वो कीमत बढ़ाकर 960 रुपये कर दी गई है। देखिए भाई साहब, 2012 में 800 रुपये कीमत थी सिलेंडर की। ये आप लोग कहते हैं, लेकिन इसका कहीं कोई, लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों ने हमें नहीं बताया कि 810 रुपये में हम सिलेंडर, अभी आपके बगल में इतने लोग खड़े हैं, कोई भी बता दे कि 2012 में 810 रुपये का मिलता था। मेरी बात, जब गिने चुने कनेक्शन हुआ करते थे, गिने चुने इसी बार में 10 से 15 कनेक्शन हुआ करते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यहाँ कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा यहाँ जिसके पास दो दो सिलेंडर ना हो। जब उसकी मांग बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी उसमें, हर परिवार में सिलेंडर दे दिया है, 6 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दे दिए हैं सरकार ने। चलिए, खैर, एक और नेताजी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, तो नेताजी क्या लग रहा है 2022 का जो चुनाव है इसमें आपको कौन सी पार्टी आगे की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है? गौरव दुबे, मंडल महामंत्री हूँ युवा मोर्चा का। तो हमें भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने में हैं, और जनता ने के पास हम लोग जा रहे हैं तो जनता ने भी हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग, आपकी सरकार ने इतने अच्छे कार्य किए हैं और हमारी सरकार पुनः आगामी 5 वर्षों में बनने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें छात्रों का, किसानों का, महिलाओं का, सभी का विशेष तौर पर ध्यान रखा है, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दुगनी करने का काम हो और छात्रों के लिए अभ्युदय नाम के कई कोचिंग सेंटरों में निःशुल्क शिक्षा देने का काम हो, महिलाओं को स्कूटरी देने का काम हो, ये हमारी सरकार के घोषणा पत्र में जारी है। और जो हमने किया है वो हमने कहा है, करीब 36 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ़, पिछली सरकार मैंने योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सरकार बनते ही हम सभी लोगों ने कर्जा माफ़ किए थे। और आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, तमाम ऐसे कार्य हैं, इस बार में ही देख लीजिए, आपके शहरी बस्ती में जाकर देखिए, धमोला मोहल्ले में जाकर देखिए, जहां पर लोगों के लिए घर नहीं हुआ करते थे, हमारे सरकार ने आशियाना दिया उनको, रुकने के लिए घर की सुविधा दी हमारी सरकार ने।
और हम बता दें आपको, हमारी सरकार ने पुनः घोषणा पत्र जारी करके बिल्कुल आश्वस्त किया है कि जो पेंशन पिछली सरकारों में 500 रुपये मिलती थी, आज वो पेंशन करके 1500 रुपये देने का काम हमारी सरकार। लेकिन एक सवाल लगातार जो युवा करते रहते हैं कि स्कूटी आपने दे दी, अगर हम इंटर पास हो गए, बीए हमने कर ली, कोई राशि दे दी, राहत राशि, छात्रवृत्ति या कुछ भी, लेकिन इसके बाद हम लोगों को नौकरी चाहिए। जो लगातार उत्तर प्रदेश में आप विगत 5 वर्षों में देख रहे होंगे, 5 नहीं बल्कि और पिछली सरकारों में भी लगातार युवाओं को नौकरी आज तक नहीं मिली है। 1 करोड़ लड़के शिक्षा अर्जित करके आगे की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उनमें नौकरी 4 लाख, और अभी योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक चैनल के इंटरव्यू में कहा कि 4 लाख 35 हज़ार के लगभग हमारे शासनकाल में नौकरियाँ भर्ती हुई हैं, तो बाकी के जो 95,65,000 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, ये मैं आपसे जानने का प्रयास। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में जारी करते हुए, आपने देखा नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा घोषणा पत्र हमारी, हमने पिछली बार का देखा जहां 2 करोड़ पर साल नौकरी देने के लिए सरकार ने वादा किया था। बिल्कुल प्रयासरत हैं। आपको हम बता दें, हमारी सरकार, आप नौकरी देने के लिए नहीं कहा था, हमारी सरकार ने कहा था रोजगार सृजन कराने के लिए। आप देखिए, स्वयं सहायता समूह के माध्यम के साथ हमारी सरकार ने घर घर महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और उसके बाद उनको रोजगार उपलब्ध कराया, और पुनः हम प्रतिबद्ध हैं उत्तर प्रदेश और युवाओं के विकास के लिए। पुनः हम प्रत्येक परिवार को, हमारा लक्ष्य है कि अंत्योदय पथ और लक्ष्य अंत्योदय के साथ, इस ध्येय के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, और करीब हम लोग हर परिवार को एक न एक नौकरी देने या रोजगार सृजन कराने का कार्य करेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? अमित कुमार। तो अमित कुमार जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनने जा रही है? सरकार तो किसी की भी बने, लेकिन हमारे क्षेत्र से माननीय श्री गुड्डू राजा जी निकल जाएंगे। तो गुड्डू राजा को आप लोगों ने इस बार वोट देने का फैसला किया है, तो ऐसा क्यों कि चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को आप वोट देंगे? देखिए, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं सब है, लेकिन जैसे हमारे भाई साहब गौरव दुबे जी ने बात की कि हमारी सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, फेंकने में बहुत आगे हैं। जो अगली बार घोषणा पत्र में 15 लाख सीधे खाते में आएंगे, वो नेताजी हैं, वो अपने हिसाब से बताएंगे, आप अपने हिसाब से बताइए। किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ इस शासन में, इस शासन से ज़्यादा कभी भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या इसी शासनकाल में हुई, किसानों ने समझा क्या, किसानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। महंगाई देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम, सरसों के तेल के दाम, हर चीज़ में किसान को ही मार खानी। मतलब आप इस सरकार से दुखी हो और आने वाले 2022 के चुनाव में वोट देंगे गुड्डू राजा उर्फ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जी को? तो हमारे साथ और भी लोग हैं, नेताजी हैं, बहुजन समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं, और नेताजी सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, पूछ लो नेतन से तो जिंदगी भर पूछ, उत्तर प्रदेश में जी पब्लिक से पूछे तो नेताजी नेता पब्लिक पब्लिक दो हजार बाईस नेतन को पेट भर दो जब वीडियो क्रॉस कर।